आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिलिका जेल क्या होता है, सिलिका जेल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और सिलिका जेल को खाने से क्या हो सकता है। देखिए, आपने कई सारे प्रोडक्ट्स के बक्से में, थैले में आपने जरूर सिलिका जेल की पाउच देखी होगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बक्से में रखा जाता है, फूड के प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग फूड्स होते हैं उनके बक्से में रखा जाता है, साथ ही शूज़ का बक्सा होता है उसके अंदर भी रखा जाता है। देखिए, ये जो सिलिका जेल होता है क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली सिलिका जेल नमी को, पानी को सोखने का काम करता है। उसके पाउच के ऊपर लिखा होता है, आपने जरूर देखा होगा कि डेसिकेंट लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि शोषक, यानी कि वो पानी को सोखता है, नमी को सोखता है, जिसके वजह से उसके आजू बाजू का एरिया ड्राई हो जाता है। तो इसी वजह से देखिए, हवा में जो नमी होती है उसके वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स खराब हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड खराब हो सकता है। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट्स रखा गया है उसके आजू बाजू का जो एरिया है वो ड्राई हो, इसलिए सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है और उसको पाउच में रखकर बक्से में, थैली में प्रोडक्ट्स के नज़दीक रखा जाता है। देखिए, सिलिका जेल बेसिकली अपने वजन के 40% तक नमी को सोख सकता है, यानी कि पानी को सोख सकता है। देखिए, सिलिका जेल जो होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनाया जाता है और ये 3 कलर में अवेलेबल है, जैसे कि ब्लू, वाइट और ऑरेंज। और जो ब्लू रंग का सिलिका जेल होता है, जैसे जैसे वो नमी को सोखता है, पानी को सोखता है, वैसे वैसे उसका रंग जो है वो धीरे धीरे बदलने लगता है और ऑरेंज रंग में बदल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो नमी को सोख रहा है। इसके अलावा देखिए, ये जो सिलिका जेल होता है उसके ऊपर लिखा होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा कि डू नॉट ईट थ्रो अवे, इसका मतलब होता है कि उसको नहीं खाना होता है। देखिए, सिलिका जेल बेसिकली नॉन टॉक्सिक होता है, यानी कि वो जहरीला नहीं होता है, इससे हमारे शरीर के ऊपर ऐसा कुछ ज़्यादा असर नहीं होता है खाने से, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। देखिए, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सिलिका जेल से हमारे आंखें ड्राई हो सकती है, हमारा गला ड्राई हो सकता है, हमारा पेट अपसेट हो सकता है, कभी कभार अगर हम ज़्यादा मात्रा में सिलिका जेल खाते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इसी के अलावा हमारा जो म्यूकस है वो भी ड्राई हो सकता है। साथ ही सिलिका जेल की पाउडर को सूंघने से हमें सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो सकती है, जो कि एक फेफड़ों की बीमारी होती है। तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स आप देख सकते हो। तो इस सिलिका जेल को आपको नहीं खाना है और छोटे बच्चों से इसको दूर रखना चाहिए। तो आपको पता चला होगा कि सिलिका जेल क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और सिलिका जेल खाने से क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सही नए नए नॉलेजेबल वीडियोज आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।